फिर दोबारा आने वहाँ होगा पता नहीं, शायद हो सकता है, अभी चांस है, चांस है। और चला जी कुछ बोल रहे हैं, करेगा करेंगे। और चला जी बैठे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ड्रामा डिपार्टमेंट, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बोलेगा हम करेंगे। तो इस तरह से आप देखो भविष्य ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि इतना फेस्टिवल हुआ, इतना लोग भाग लिया, फॉरेन से लोग आए हैं, हाँ, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। यहाँ जैसा ये जवाहर कला केंद्र हमें फ्री में तो ऑडिटोरियम दिए है, रहने का बंदोबस्त कर दिया है, धन्यवाद देना है जवाहर कला केंद्र को। फिर ऐसा हम जो किया था, हमें कुछ फेस्टिवल ग्रांट्स मिला था तो इंटरनेशनल फेस्टिवल करने के लिए, तो उससे हमने बनाया, तो गवर्नमेंट ने मदद किया। फिर स्टार जोनल कल्चरल सेंटर है, उससे हम जोर जबरदस्ती हॉल लिया 7 दिन का, है देना ही होगा, क्यों नहीं देंगे, हैं। तो वो लोग दिए हैं हमारा, अपने इंस्टीट्यूट में हमने वर्कशॉप किया, सेमिनार किया, जो किया हमारे इंस्टीट्यूट का जो हॉल है वो वहाँ किए हैं। तो इस तरह से अभी हो रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में से सीधा सीधा मदद मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते आप। और एक चीज़ जो है, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा ना, दर्शक नहीं आएगा। आपका परफॉर्मेंस देख के दर्शक को आनंद नहीं मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करो, तो उसमें आप सोचो पहले कि इसमें हमें दर्शक को कितना आनंद मिलेगा। पहला शर्त जो है नाट्यशास्त्र में लिखा है, मैं बार बार नाट्यशास्त्र को रेफरेंस देता हूँ, वो लोग बोल के जाए कि पहला शर्त है और दर्शक को आनंद देना, तुम्हारा नाटक देख के दर्शक को आनंद लगेगा, इसके बाद शिक्षा देना, इसके बाद थिएटर का काम जो है और आम आदमी को शिक्षा देना। तो ये दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके पीछे हम नहीं जानते, सोचते नहीं है कि कैसे हम आनंद देंगे। जैसे थिएटर में भी होता है कि ये रिलीफ सीन है, मतलब सीरियस नाटक भी होता है तो उसमें रिलीफ सीन होता है, जहाँ दर्शक थोड़ा हंसेगा, दर्शक को थोड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन आपने सारे पूरा नाटक सीरियस आप कर दो, दर्शक मुंह काला लटका के बाहर चल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, किसी को बोलेगा भी नहीं जो नाटक देखने जाओ, मना करेगा, मत जाओ, ठीक है ना। तो हम लोग जो कर रहे हैं ठीक दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट बन गया इतना सालों में, तो और क्या आप चाहते हैं कि क्या क्या करें हम लोग, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट जो बनाया, इसमें हमें गवर्नमेंट फ्री में जमीन दिया, बहुत कम पैसा लिया, सॉल्ट लेक एरिया में बहुत पॉश एरिया है, और 4-5 MP से हमने 50 लाख रुपया लिया, उसका MP-LAD लोकल डेवलपमेंट फंड होता है, उसके लिए कल्चर के लिए फंड है। तो हम पकड़ते नहीं है उसको, उसको पकड़ना है भाई, पैसा दो हमें, हमें ये करना है वो करना है। तो लोकल डेवलपमेंट के लिए कल्चरल फंड है उनका, तो वो जब हमें पता चला, हमें राज्यसभा MP को पकड़ाया, उसको पास फ्री है, MLA जो पार्लियामेंट का ऑर्डिनरी मेंबर जो है, लोकसभा का जो मेंबर है, वो उसका एरिया होता है, बहुत सारे क्लबों में देने पड़ता है, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसा देने पड़ता है, इसलिए उसको ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते हैं। राज्यसभा का MP बहुत पैसा दे सकते हैं, आपको 50-25 लाख मैक्सिमम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिले हैं, तो हमारा जो साथी लोग हैं उसको हम बोलते हैं, जैसे अभी सदरनाथ मणिपुर में अपना कॉम्प्लेक्स बनाया, ऑडिटोरियम बनाया, कलाकारों को रखने का जगह बनाया, ऐसा बन रहा है, शुरू हो गया। मैं सिराज भाई को बोल रहा है, चलो यहाँ पहाड़ी में कोई खुला जाएगा है, घेर के लिख दो रेनबो सोसाइटी, गवर्नमेंट आएगा, पुलिस आएगा, पत्रकार लोगों को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, बोले ही जाएगा घर, वेस्टेड लैंड है, बहुत सालों से खाली पड़े हुए हैं, हम यहाँ एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, हमें देना चाहिए, हम इतना साल काम किए हैं, आप हमारा रिकॉर्ड देखो। ऐसा कोई हम डांटते नहीं है, मैं डायरेक्टर कल्चर को बोले है कि आप हमारे पैसा से खाते हैं, आप ये देखना, आपको हमें देखना आपका काम है। अब हमारे हमारे पास आते हैं, आप बोलते हैं आज समय नहीं है, कल समय नहीं है, क्या बात है। आप डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर तो हमारे लिए बना है, हाँ। तो ये आप कलाकार लोग जाके कभी नहीं बोलते, सब जगह हाथ जोड़ के सर 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 करते हैं,
अरे बोलो अपना काम करो और बोलो, काम बोलेगा वो डरेगा, तो ये डरा के फिर करो काम करो, अच्छा काम करो डरा के करो तो आगे जाएगा। जो कुछ बोलते लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ मुझे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी बात बहुत प्रेरणा दे रही है, लेकिन जब तक हमारी कलाओं में लोग बटे रहेंगे तब तक उस आवाज में वो सच्चाई नहीं, आप अच्छा काम करोगे तो होगा, नहीं सर सब लोग अगर इकट्ठे हो क्यों नहीं हो सकते, ये प्रॉब्लम वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो इतना लड़ाई किया, मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूँ, ठीक है ना, सबके साथ लड़े क्यों नहीं देंगे, करेंगे, अब क्या कर सकते, करो पुलिस बुलाओ, हम करेंगे। बहुत बार हुआ है ऐसा, फिल्म फेस्टिवल होगा बंद कर दिया हमारा प्रोग्राम, अरे फिल्म फेस्टिवल दे रहा है 15 दिन बाद होगा, अभी से आप बंद कर दिया, हमें करने दो, तो फिर डायरेक्टर सॉरी बोला, पर ठीक है आपका फेस्टिवल के बाद हम करेंगे, ऐसा होता हो, जोर अपना होना चाहिए ना, हिम्मत होना चाहिए बोलने का। दादा की बात, मैं नौकरी नहीं करता हूँ ना, इसलिए हमारी हिम्मत, नौकरी करता है उसका लिए प्रॉब्लम है। ठीक बात, दादा की बात में जो हिम्मत हमको दी है, हर बंदा कहीं ना कहीं टैलेंटेड होते हुए भी उसको दबना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो ये खुल के आना नहीं चाहता, किसी को किस बात का डर है, किसी को किस बात का डर है, उसमें कला जो है डर को जीना है, आर्ट जो है वो बट जाता है। अभय मुद्रा जो है ना, माँ काली का है हाथ में अभय मुद्रा है, बिल्कुल वो बोलते हैं अभय, हम वो देते हैं, तुम्हें डर डर को जीनो, जियो, जीतना है करो, कौन कुछ क्या करेगा। तो दादा की इन बातचीत से तुम ठीक रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, और है कुछ नहीं। ये मैम अच्छा बोल रही हैं, मेरे को अच्छा लगा कि आज पहली बार कोई बंदा बोला है, जब तक हम सारे आर्टिस्ट एक जगह नहीं होंगे नहीं होगा, तब तक कलाकार का बीमारी है ये दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दादा की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम यूँ देखें कि हम सोचे कि लोग कब जुड़ेंगे, शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी, आप शुरू करिए, लोग साथ जुड़ते चले जाते हैं। आज दादा की बात ने हमें ये हिम्मत दी है कि हम अगर कोशिश करें तो हम बहुत कहाँ कहाँ से मदद ले सकते हैं, हम सरकार से मदद ले सकते हैं, हम एमपी से मदद ले सकते हैं, जैसे इस बार हमने आप लोगों को फ्री यहाँ पर वर्कशॉप लगाई है, फ्री हमने यहाँ पर नाटक लोगों को दिखाए हैं, हम आप सबसे भी उम्मीद कर सकते हैं अगली बार इस प्रयास में आप भी अपना सहयोग हमें प्रदान करें, ताकि इसका एक आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो, जिसके बिना किसी भी कला को जीवित रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम पुराने काल से देखें तो हमेशा कहने की राजाश्रय रहा है, कहने को कोई आश्चर्य कला को मिला है तभी वो आगे उसने तरक्की की है। तो कुल मिलाकर के ये कि आज हम इस संदेश को लेकर के यहाँ से उठते हैं, इस भविष्य सुखद भविष्य की कामना के साथ हम सब मिलकर के इस माइम कि आपकी कला को बहुत आगे बढ़ाएंगे, सब कलाकार मिलकर के अपना एक मिशन बनाएं, इसको लेकर के आगे बढ़ें। राजस्थान में कैसे कोई इंस्टीट्यूट खुल सकता है, जैसे कि दादा ने वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट खोला, उसकी शाखा यहाँ खुल सकती है, नहीं खुल सकती, कैसे हम यूथ को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस सुखद कल्पना के साथ आज की इस चर्चा को ये एक एक शब्द बोल के हम खत्म करने चाहता हूँ। बाइबल में एक यहाँ लिखा है, नॉक द डोर, डोर विल ओपन। अब जब ये करते ठीक है ना, इधर नहीं खुला उधर खोलेंगे, उसके बाद पीछे एक कहानी लिखा है, वहाँ है कि बहुत सर्दी का टाइम पे बारिश हो रहा है, आप भीग गए, कोई दूसरा गांव में गए थे, अपना घर पहुँच नहीं पा रहे, तुम्हारा मन में आया कि हाँ मेरा एक दोस्त रहता है, तो उसका घर गए रात को 2 बजे, आप बाहर में खड़ा होके बिना नॉक किए आप बाहर में खड़ा होके दोस्त को गाली दे रहे हैं, सर हमें इतना प्यारा दोस्त, मुझे दरवाजा खोल के अंदर नहीं ले जा रहे हैं, क्या है, ठीक है ना, तो वो तो उससे तो नहीं होगा, आप नॉक करना है, वो एक बार दो बार रात को 2 बजे वो भी डरेगा, बोलना है भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डकैत नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं आया हूँ, तो आप भीगा कपड़ा सूखा कपड़ा देगा, अब भूखा रहेंगे तो खाना देगा,
रात में आपको हाँ उसको घर में कब सोने देगा, तो आपका नॉक करने होगा, यू नॉक द डोर। तो आप ये जो बाइबल है, कुरान है, हमारा उपनिषद है, पंचतंत्र की सारी जो कहानी है आप पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा। मन की जोर बहुत, मन की शक्ति जो है वो शरीर की शक्ति से जोर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप हमें हर वो दरवाजा खटखटाना है जहाँ से हमें मदद मिल सकती है और आगे इसको ऊंचाई तक भेजना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप और उन सबके बीच से हटते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं आगे की प्रस्तुतियाँ। मैं मंच सुपुर्द करता हूँ प्रणय भारद्वाज को कि आगे का संचालन हो करें। एक सुखद एहसास के साथ इस बातचीत का समापन हुआ है और ये समापन नहीं बल्कि एक शुरुआत है। पद्मश्री निरंजन जी गोस्वामी साहब ने बहुत संभावनाओं के साथ अपनी बातचीत को विराम दिया है और ये विराम सिर्फ आज की शाम का है, कल फिर आगे बातचीत में कुछ और संभावनाएं जन्म लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री निरंजन जी गोस्वामी सिराज अहमद।